प्रथम सत्र के द्वितीय वक्ता डॉक्टर अमित साखरे सर का परिचय इस प्रकार है। डॉक्टर अमित साखरे सर मध्य प्रदेश के उभरते युवा कथक नर्तकों में से हैं। आपने नृत्य की तालीम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से की। सुप्रसिद्ध कथक नर्तकों के अंतर्गत डॉक्टर मांडवी सिंह जी से प्राप्त की। आपने कथक नृत्य में BA MA गोल्ड मेडल के साथ उत्तीर्ण किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय दिल्ली से आपको राष्ट्रीय युवा छात्र वृत्ति प्राप्त हुई है। आपको शोध कार्य हेतु जूनियर रिसर्च फेलोशिप सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त है एवं UGC के राजीव गांधी फेलोशिप भी प्राप्त है। आपने भारत के कई राज्यों में महोत्सवों एवं प्रतियोगिताओं में भागीदारी की, जिनमें कटनी केरल महोत्सव, चक्रधर समारोह, आशीर्वाद समारोह, युवा उत्सव, कटक महोत्सव, खैरागढ़ महोत्सव, छत्तीसगढ़ उत्सव, भारत भवन कला मंजरी, बिलासपुर इत्यादि। आप नृत्यश्री नृत्य रत्नाकर सम्मान एवं गुरु अलंकरण सम्मान से सम्मानित हैं। आपने कई समारोह में बतौर निर्णायक भी कार्य किया है। आप इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय सेज विश्वविद्यालय के परीक्षक पैनल में सम्मिलित हैं। आपने कई शोध पत्र एवं आलेख लिखे हैं। आपकी पुस्तक नृत्य अध्ययन संग्रह भाग 1 प्रकाशित है एवं दो अन्य पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। आप अभी भी नृत्य साधारण हैं, प्रयोग पक्ष एवं सैद्धांतिक पक्ष में बराबर अधिकार रखते हैं। वर्तमान में आप माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय इंदौर में नृत्य विभाग में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। अब मैं सर से निवेदन करूंगी कि बनाए और अपना प्रदर्शनात्मक व्याख्यान प्रस्तुत। अभी डॉक्टर अंजना चौरसिया मैडम ने अपना वक्तव्य आप सभी के समक्ष रखा और प्रदर्शनात्मक व्याख्यान भी किया। उन्होंने महाराज जी की शिक्षण पद्धति पर विशेष रूप से उन्होंने जोर दिया है और उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि किस तरह से पंडित लच्छू महाराज जी विद्यार्थी को सिखाते थे, उन्हें सिखाने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा, जब इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा जब मेरे मानस पटल में चल रही थी, तो विगत कुछ दिनों से मैं उनके जो शिष्य शिष्याएं हैं उन्होंने जो आलेख लिखे हैं और जो रिसर्च हुआ है, मेरे गुरु डॉक्टर मांडवी मैम ने उन पर रिसर्च किया है, PhD का शोध कार्य का उनका विषय था, तो मैं लगातार पढ़ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि वो एक इस तरह के सत्र में बताना बिल्कुल मुश्किल है। तो मैं कुछ बातों पर भी प्रकाश डालूंगा, जैसे कि दीदी ने अभी शैक्षणिक उनकी क्या क्षमताएँ थी और किस प्रकार से वो शिक्षण करते थे उस पर उन्होंने जोर दिया। मैं यहाँ पर उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश डालूंगा और प्रयास करूंगा कि उसको बताते हुए यहाँ पर प्रदर्शन करूँ। आज जो भी मैं वक्तव्य कहूँगा वो पूरा संदर्भ के आधार पर होगा, क्योंकि मैंने जो भी कुछ दिनों से जब उन पर मैं रिसर्च कर रहा था आलेखों के माध्यम से, तो जो मुझे चीज़ें लगी व्यक्तिगत विशेषताओं के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। और मेरे साथ तबले पर शुभम सर होंगे जो मेरा साथ देंगे, साथ ही साथ प्रदर्शन को और अच्छे स्तर पर लाने के लिए और इसमें छात्राओं का भी मैंने इन्वॉल्व किया कि वो भी मेरे साथ प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। तो पंडित लच्छू महाराज जी की नृत्यगत विशेषताओं पर मैं अपनी दृष्टि रखूँगा और प्रयास करूँगा कि विद्यार्थी इसको ध्यान से सुने। जैसा कि अभी डॉक्टर अंजना चौरसिया मैडम ने बताया कि पंडित लच्छू महाराज जी का जन्म 1 सितंबर 1901 को हुआ और वह कथक परिवार से ही थे। पंडित बिंदादेव के पोते और कालका प्रसाद जी के वो दूसरे पुत्र थे। 3 भाई थे कालका प्रसाद जी के, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। जो लच्छू महाराज जी थे वो द्वितीय नंबर के उनके द्वितीय मझे पुत्र थे। और कहते हैं कि वो लच्छू नाम क्यों पड़ा, वैसे तो मूल उनका नाम बैजनाथ मिश्र था, लच्छू इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन में वो बहुत शरारती थे तो उन्हें क्या करते थे, लुच्चा लुच्चा कहते थे, तो इस प्रकार से वो शब्द वो नाम रूढ़ हो गया। तो आगे चल के कथक जगत में वो लच्छू महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लच्छू महाराज जी के जीवन पर अगर दृष्टि डालें तो वो बहुत ही स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। कारण ये था कि जब उनका जन्म हुआ
तब उस समय भारत वर्ष में नवाबों का शासन था, और तो वो नवाबी परिवेश में उनका पूरा जीवन रहा। वो लखनऊ दरबार, रामपुर दरबार और रायगढ़ दरबार में भी रहे, तो नवाबों के बीच में उनका एक बहुत लंबा समय गुजरा। उसके बाद में लगभग 1940 दशक के आसपास वो फिल्म जगत में उन्होंने शिरकत किया और एक बतौर सफल निर्देशक के रूप में वो रहे। जैसा मैडम ने भी बताया कि आखिरी कसम, मुगले आजम, गाइड, ऐसी फिल्मों में उन्होंने सफल नृत्य निर्देशन किया है। वो आपने गाना सुना होगा पान भाई सैया हमार और मोहे पनगढ़ पे नंदलाल छेड़ गए हुए, तो वहाँ पर भी उन्होंने नृत्य निर्देशन किया। और जैसे दीदी ने उनकी टेक्निक के बारे में बताया कि किस तरह से कथक को उन्होंने फिल्म जगत में इंट्रोड्यूस करवाया, मैंने पंडित लच्छू महाराज जी का ये बहुत बड़ा योगदान है। और पूरी गरिमा के साथ कभी भी उसमें एक ऐसा कोई भद्दापन नहीं लगा। आप कभी यूट्यूब में सर्च करके देखेंगे मोहे पनगढ़ पे नंदलाल छेड़ गए हुए, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत ही सधी हुई चीजें करी हैं। देखो आज की फिल्में आप देखते हैं तो शायद वो परिवार के साथ देखने लायक नहीं होती है ना, लेकिन वो फिल्म आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही एक कथक का एक अलग स्वरूप दिखेगा। तो पंडित लच्छू महाराज जी का एक योगदान भी है कि कथक जगत में, कथक को उन्होंने फिल्म जगत में उसका परिचय करवाया। चूंकि लच्छू महाराज जी बहुत स्वच्छंद व्यक्ति थे तो एक जगह वो कभी टिकते नहीं थे, तो एक दरबार से दूसरे दरबार में वो गए। उसके बाद में फिर 1940 के बाद में जब फिल्मों में गए और फिल्मों में उन्होंने बहुत सफल नृत्य निर्देशक के रूप में सफल तो हुए ही, साथ में कुछ समय बाद उनका मन नहीं लगा वहाँ पर, तो वो फिल्म जगत को पूरी तरह से छोड़कर लगभग सन 1972 में वो वापस लखनऊ आए और शासन के सहयोग से उन्होंने वहाँ पर लखनऊ कथक केंद्र की स्थापना की। कभी आपको जाने का अवसर मिलेगा तो जाइएगा वहाँ पर, वहाँ पर एक कथक संस्थान भी है भातखंडे की, जहाँ पर कथक नृत्य की शिक्षा दी जाती है। तो पंडित लच्छू महाराज जी ने वहाँ पर कथक केंद्र की स्थापना की और बहुत सारी नृत्य नाटिकाएं अपने शिष्य शिष्याओं को लेकर तैयार की। जैसे दीदी ने अभी नाम दिया मालविका सरकार, डॉक्टर पी डी आशीर्वाद, पद्मा शर्मा, और अभी भी वो कलाकार हैं। तो आगे हमारा प्रयास रहेगा कि उन कलाकारों को भी हम अपने विभाग में बुलाएं और उनसे भी हम चीज़ें सीखें। मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा, अगर प्राचार्य मैम सहयोग करेगी तो, क्योंकि मैं इसी की अपेक्षा करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कलाकार हमारे विभाग में आए और हमारा विभाग आगे बढ़े। तो पंडित लच्छू महाराज जी ने बहुत सारी नृत्य नाटिकाएँ तैयार की, और अगर कथक जगत में आज नृत्य नाटिकाएँ का हो जाता है, मतलब स्टेज आता है, तो कहीं ना कहीं पंडित लच्छू महाराज जी को। ये बात अलग है कि पंडित बिरजू महाराज जी ने कथक नृत्य में एक सर्वांग उन्होंने संपूर्णता आई है, लेकिन कहीं ना कहीं पंडित लच्छू महाराज जी उसके स्रोत रहे हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर बात में बात करूं तो बहुत ही सृजनशील व्यक्तित्व थे, बहुत ही अनुशासित थे और अपने शिष्य शिष्याओं को बहुत अनुशासन में रखते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही प्रयोगधर्मी था। प्रयोगधर्मी होने की वजह से ही आज बहुत सारी नृत्य नाटिकाएँ उन्होंने तैयार की जो आज भी उनके नाम है, बहुत चर्चित हैं। आप कभी UGC NET की परीक्षाएं देंगे तो वहां पर भी ये प्रश्न आते हैं कि कौन से कलाकार ने कौन सी नृत्य नाटिका तैयार की। तो इसलिए विद्यार्थी आप लोग ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, क्योंकि जब आप MA के बाद में NET की परीक्षा देंगे या PhD करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी, है ना, क्योंकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं। बहरहाल दीदी ने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन मैं नृत्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हुए प्रदर्शनात्मक व्याख्यान करूँगा। और मुझे लगता है कि पंडित लच्छू महाराज जी की नृत्यगत विशेषता को बताते हुए प्रदर्शनात्मक व्याख्यान करना उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो नृत्यगत विशेषता आप सभी के समक्ष में बताना चाहता हूँ, क्योंकि पंडित लच्छू महाराज जी भाव को बहुत मानते थे, मतलब उनके लिए हर चीज़ भाव से जुड़ी हुई थी, मतलब कोई भी निरर्थक चीज़ें, मतलब अगर वो अर्थहीन चीज़ें भी हैं तो उसमें भी वह भाव देते थे। कहते थे कि उन्हें कभी भी 18-18 घंटे का रियाज और पसीने से लथपथ होना कभी रास नहीं आया, वो हमेशा अपनी कल्पनाओं में डूबे हुए रहते थे। और पंडित लच्छू महाराज जी ने अगर बात की जाए तो कथक के लखनऊ घराने का जो अभिनय अंग है उसे बहुत ही आगे बढ़ाया है। और एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि पंडित लच्छू महाराज जी हमेशा परफेक्शन के आग्रही थे। वो बोलते थे कि अगर आप घूम भी रहे हो तो प्रॉपर तरीके से घूमो, आपकी एक एक नज़र प्रॉपर जानी चाहिए, मतलब एक बतौर शिक्षक भी वो बहुत सफल रहे। अगर आप कहीं दृष्टि देख रहे हैं तो उस पर भी परफेक्शन होनी चाहिए। तो वो इस तरह से अपने शिष्य शिष्याओं को सिखाते थे। और बिल्कुल सही बात है कि अगर कथक नृत्य में सौंदर्य के तत्व आए हैं तो उसके स्रोत पंडित लच्छू महाराज जी रहे हैं।
कथक नृत्य के संदर्भ में मैं तीन चार चीजें यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा जो कथक के वस्तु क्रम के अंतर्गत है। पहला ठाट, दूसरा नृत्य पक्ष में आमद या कोई भी परण, उसके बाद में गद्य निकास और भाव पक्ष में चीजें प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मैं बताते हुए इसे करूंगा। ठाट के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, जो भी मैं बात करूंगा वो पंडित लच्छू महाराज जी द्वारा जो शिष्य शिष्याएं हैं या उनकी जो किताब है उसकी रिसर्च का हिस्सा है, इसलिए मैं उसे कोट करके यहाँ पर करूंगा। ठाट, जैसा हम सभी जानते हैं कि एक प्रकार का अंदाज, आपके खड़े रहने का अंदाज या देखने का अंदाज, उसमें कसक, मसक और कटाक्ष, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो पंडित लच्छू महाराज जी कसक की बात करते हैं, तो कसक मतलब कलाइयों का संचालन, जिसे वो करास भी कहते हैं। तो उनका मानना था कि कलाइयों का संचालन बहुत ही सूक्ष्मता से होना चाहिए और वो उस पर बहुत बारीकी से ध्यान रखते थे। उसके बाद में जो हम कथक नृत्य में प्रारंभ में झूम करते थे, झूम मतलब एक दिए के लौटे समान झूमना, उस पर भी वो चाहते थे कि कलाकार का बहुत अच्छा संतुलन रहे, बहुत अच्छा नियंत्रण रहे। अगर कभी कुछ गड़बड़ होती तो वो अपने शिष्यों को 50 बार करवा देते थे, तो वैसा उनका उनकी शिक्षण पद्धति थी। और वो हमेशा जो कटाक्ष होता है कथक में, जो हम नजरों को फेंकते हैं, तो उनका मानना था कि आप जब नजर देखें तो तीर के समान नजर देखनी चाहिए, तो आप ठाट को आप उसका उसके साथ न्याय कर पाएंगे। जब अपने मैं खुद जब अपने शोध कार्य के दौरान जब कथक केंद्र में एक कथक समारोह था, वहाँ पर मैं अपने रिसर्च के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पर काजल शर्मा जी मिली थी जिनसे मैंने शोध का इंटरव्यू लिया। जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने पंडित लच्छू महाराज जी का नृत्य देखा था और इस संदर्भ में वो कह रही थी कि पंडित लच्छू महाराज जी जब कटाक्ष करते थे तो ऐसा लगता था कि किलो भर की नजरें आई और सीधे फेंकी। तो कितना रियाज और कितना समर्पण रहा होगा नृत्य के प्रति उन गुरुओं का। तो यहाँ पर मैं ठाट आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, कोशिश करूंगा कलास का संचालन और जो नाते तिरना का जो प्रकार लखनऊ घराने की विशेषता है उसको सूक्ष्मता से दिखाने की, ये मात्र मेरा एक प्रयास है। धन्यवाद। बहुत अनुशासन प्रिय थे, वो अपने वो चाहते थे कि उनके शिष्य शिष्याएं अनुशासित रहें। पंडित लच्छू महाराज जी एक चिंतनशील और सृजनशील व्यक्तित्व के धनी थे, तभी शायद उन्होंने नृत्य में भी भाव देखा। नृत्य मतलब एक ऐसी रचना जो अर्थहीन होती, जिसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो भाव को बहुत प्रिय रखते और लास्य के उन्हें अवतार कहते, क्योंकि वो लास्य को बहुत ज्यादा उनके पक्षधर, दो चीजें होती तांडव और लास्य, तो वो लास्य के ज्यादा पक्षधर थे। तो जो नृत्य रचना होती, जो हम बोल बंदी से करते हैं, उसमें पंडित लच्छू महाराज जी भाव देखते थे और उन्होंने
एक आमद की रचना की जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की छेड़छाड़ बताई। आमद मतलब एक आगमन होता है जिसमें दोहरे बोलों की संरचना होती है, दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और परंजुड़ी आमद। तो उन्होंने परंजुड़ी आमद में कैसे राधा कृष्ण का छेड़छाड़ होता है वो उन्होंने बताया था, या गंगा अवतरण, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। तो आज अगर कथक जगत में नृत्य पक्ष में अगर भाव की भाव समावेश हुआ है तो निश्चित तौर पर उसका स्रोत पंडित लक्ष्मण महाराज जी हैं और उन्हीं का ही उन्हें श्रेय देना चाहिए। तो आप सभी के समक्ष मैं आमद प्रस्तुत करूंगा, ध तक दूंगा। सबसे पहले मैं अंग के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद में राधा कृष्ण की छेड़छाड़ बताने का प्रयास करूंगा। एक बात और, ये आमद मैंने अपनी गुरु से सीखा है, पता नहीं मैं उसके साथ कितना न्याय कर पाऊँ, और उनको शायद उनके गुरु यानी डॉक्टर पी डी आशीर्वादन से मिला होगा और उनको उनके गुरु यानी लक्ष्मण महाराज जी से मिला होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस स्रोत का प्रभाव कहीं ना कहीं अगर हम पर है या हम हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे गुरु से जुड़ना जीवन की बहुत बड़ी बात होती है। तो आमद के माध्यम से आप सभी के समक्ष बताऊंगा कि कैसे राधा कृष्ण की छेड़छाड़ होती है, लेकिन उससे पहले एक अंग से मैं आमद प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं तेजस्वी को आमंत्रित करूंगा वो आमद पढ़ने के लिए। श्रृंगारिकता के प्रबल समर्थक थे और वो चाहते थे कि हर चीज सुंदरता से आप प्रस्तुत करें, आपके खड़े रहने का अंदाज, आपके देखने का अंदाज, हर चीज खूबसूरत होना चाहिए। तो शायद आज जब कथक नृत्य खूबसूरत हुआ है तो बिल्कुल पंडित बिरजू महाराज जी का योगदान है ही, लेकिन लक्ष्मण महाराज जी उसके निश्चित तौर पर स्रोत रहे हैं। गद्य विकास के संबंध में पंडित लक्ष्मण महाराज जी पलटे को बहुत ध्यान देते थे, वो चाहते थे कि पलटा इतना सुंदर होना चाहिए कि वाकई में वो पलटे जैसा दिखना चाहिए। क्योंकि गद्य विकास में तीन मुख्य चीजें होती हैं, एक तो आपका पलटा, दूसरा स्थिति को लेकर चाल दिखाना और तीसरा तिहाई। लेकिन यहाँ पर पंडित लक्ष्मण महाराज जी तिहाई के समर्थक नहीं थे, वो तिहाई कभी नहीं करते थे अपने गद्य विकास का, जब वो प्रदर्शन करते थे या करवाते थे। एक बात और कहना चाहूंगा कि भले ही मंच पर बहुत बड़ा जलवा पंडित लक्ष्मण महाराज जी का नहीं देखे, लेकिन वो बहुत अच्छे गुरु थे।
एक बहुत अच्छे पुरुष नर्तक भी थे और बहुत अच्छे पुरुष गुरु भी थे। तो पंडित लक्ष्मी महाराज जी का जो गत अंग है वो बहुत ही समृद्ध है, और खासतौर पे जैसे दीदी ने भी बताया कि कैसे श्रेणी पंड्या जी को उन्होंने माचिस की डिब्बी देकर कैसे सिखाते थे, तो वो उनकी शिक्षण का एक सबसे बड़ा एक गुण था कि वो किसी भी तरह से सिखाते थे। तो गद्य विकास की जब हम बात कर रहे हैं पंडित लक्ष्मी महाराज जी के संदर्भ में, तो उनकी एक तो घूंघट की गत बहुत प्रसिद्ध थी और दूसरी मुरली की, जिसमें वो उछाल की जो बात करते हैं। तो प्रयास करूंगा वैसा करने की, पता नहीं उसके साथ न्याय कर पाऊंगा कि नहीं। और उसके बाद में उछाल की गत आप सभी के समक्ष मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ गदभाव के संदर्भ में, पंडित लक्ष्मी महाराज जी का मानना था गदभाव के संदर्भ में कि वो बहुत वास्तविकता रखना चाहते थे। अगर कोई नर्तक गदभाव कर रहा है, गदभाव मतलब होता है किसी कथा को प्रस्तुत करना, तो बहुत ही सहज चाहते थे और वास्तविकता चाहते थे। एक उदाहरण के तौर पर अगर नर्तकी पलटा लेकर कोई गद प्रस्तुत कर रही है, पनघट की प्रस्तुत कर रही है, और वो मटकी लेकर पानी भरने के लिए गई है, तो उनका ये मानना था, वो चाहते थे कि आप जहाँ से मटकी उठाए हैं मटकी वहीं पर रखें। आपने अगर संकली बंद की है तो ऐसा नहीं कि अपन पानी भरने चले गए और एकदम से घुसे, नहीं, हमको दरवाजा बंद भी करना है, खोलना भी है। और अपनी मुद्राओं को वो बहुत मानते थे कि बहुत ही सहज और संतुलित तरीके से वो अपने मुद्राओं का प्रयोग करें, उनके शिष्य शिष्य हैं। तो पंडित लक्ष्मी महाराज जी के व्यक्तित्व की ये भी बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते थे। लेकिन आज ऐसा समय है कि ना तो वैसे गुरु रहे हैं ना तो वैसे शिष्य हैं, लेकिन उनका जो योगदान है वो गद्य विकास में भी बहुत है। गद्य विकास की बहुत बड़ी विशेषता है, जो नृत्य के विद्यार्थी हैं उनको बताना चाहूँगा कि गद्य विकास जो है वो आपको रिलैक्स होने का समय देता है। आप बहुत तेज द्रुत लय में नृत्य कर रहे हैं और आप गद्य विकास करते हैं तो वो एक रिलैक्स होने का एक माध्यम है। तो गद्य विकास की भी अपनी विशेषता है, है? तो बहुत सुंदर है गद्य विकास के बारे में उनकी जो सोच है, वास्तविकता के वो पक्षधर थे। तो मैं गद्य विकास प्रस्तुत करूँगा। गद्य विकास में सबसे पहले मुरली की गद्य अपनी छात्राओं के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा मैं, देखिएगा जरूर। पंडित लक्ष्मी महाराज जी अभिनय की तरफ बहुत उनका झुकाव था,
और वो हर चीज में अभिनय देखते थे। और इसी कार्यक्रम में उन्होंने काव्यात्मक चीजें लिखी, बहुत सारे पद, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी और बहुत सारे उन्होंने कवित्व भी लिखे। और चूंकि एक नर्तक थे, एक गुरु थे और बहुत अच्छे शायर भी थे, तो उन्होंने गजल भी लिखी। एक कवित्व की बात करते हैं, कवित्व मतलब जब किसी कविता को जब हम नृत्य बद्ध या तालबद्ध करते हैं। कवित्व इस प्रकार है, बाल गोपाल गोपाल कन्हैया फाड़ कर रंग की छान करे रस भीनी बजावत बांसुरी दैया कासे कहूं कित जाऊं सटी जित जाऊं उतैमो चरावत गैया हा 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 दैया हा 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 दैया हा 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 दै। इसके बाद में एक छोटी सी गजल मैं प्रस्तुत करूंगा अपने विद्यार्थियों के साथ। मैडम आप देखकर जाइएगा, जो गजल पंडित लच्छू महाराज जी ने लिखी थी वो शायद अपने जीवन के अंतिम क्षण में लिखी थी शायद। और जो गजल उन्होंने लिखी वो जीवन के बहुत सारे पक्षों को दिखाती है और कहीं ना कहीं एक कलाकार के जीवन को दिखाती है। मैं एक बार पढ़ूंगा और केवल दो लाइन यहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। गजल कुछ इस तरह से थी, धीरे धीरे इन राहों से गुजर जाऊंगा, रफ्ता रफ्ता किसी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, मुझे ना सह की जरूरत है ना गमखारों की, आप बिगड़ा हूं तो मैं आप सवर जाऊंगा, मैं वो नगमा हूं जो खामोश हूं एक मुद्दत से, हस्ती सांस को छेड़ा तो बिगड़ जाऊंगा, हाँ अगर वक्त मिला तो किसी हंगामे में कौन हूँ क्या हूँ मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं सरेआम नहीं चाहता मिलना तुझसे, दिल के अरमानों को तन्हाई में बताऊंगा, मेरे दिल में जो खजाना है कला का बैजू, बैजू मतलब पंडित लच्छू महाराज जी का नाम बैजनाथ मिश्र था, मेरे दिल में जो खजाना है कला का बैजू, तू ना लेगा तो किसी और को दे जाऊंगा। तो ये रचना थी और निश्चित तौर पर जीवन के पक्षों से जुड़ी हुई ये रचना है एक कलाकार के जीवन से। तो प्रयास करूंगा उसे और एक चीज में बताना चाहता हूँ कि 2013-14 में जब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कार्यशाला हुई थी तो पंडित लच्छू महाराज जी की साली कबीरा राजसु प्रसिद्ध कथक प्रत्यांगना, अभी वो नहीं रही, तो वो वर्कशॉप लेने आई थी, उनसे हमने सीखा। लेकिन जब नृत्य देह के माध्यम से निकलता है तो वो अपना स्वरूप धारण कर लेता है, तो शायद कुछ चीजें मेरी अपनी आ गई होगी, कुछ चीजें मैडम की आई होगी या खुद उनका जो देखा होगा वो होगा। अगर कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, प्रस्तुत करूंगा। और मुझे लगता है कि ये रचना पंडित लच्छू महाराज जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। रफ्ता रफ्ता किसी मंजिल
मेरे दिल में जो खजाना है कला का भेजू, मेरे दिल में जो खजाना है कला का भेजू, ले जा।